पहले से तय किया गया नेशनल फर्टिलाइजर मजदूर संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन आज से शुरू किया गया। नेशनल फर्टिलाइजर के द्वारा 97 मजदूरों को बिना किसी कारण के अचानक ही निकाल दिया गया था, जिसके लिए नेशनल फर्टिलाइजर मजदूर संघर्ष समिति काफी लंबे अरसे से प्रयासरत है। इन सभी मजदूरों को वापस नौकरी पर लिया जाए, क्योंकि नौकरी जाने के बाद इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, जिसके चलते फर्टिलाइजर प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मामला नहीं सुलझने के चलते आज से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते हटाए हुए श्रमिकों को वापस लेना होगा हटाए हुए श्रमिकों को वापस लेना होगा शुक्ला तेरी तानाशाही को उसको पैसा देता है तो उसका उसका साथ कैसे नहीं, उनका दोनों का 40 टोली और दामन का साथ है और मिली भगत के कारण इन 97 मजदूरों के परिवारों को इन्होंने बर्बाद करके रखा है। जो लोग 25 साल से काम कर रहे थे उनको उन्होंने जो है इस काम से हटाया है।